चलिए मैं आपको अपने रूम का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना कितना अमेजिंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, क्योंकि ये स्वर्ग जैसा ही लग रहा है, इतना खूबसूरत है। एनीवे, अभी मुझे निकलना है क्योंकि आज ही मैं सुबह को पहुंची मसूरी और ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है। अब मैं घूमने निकलने वाली हूँ। तो मैंने बहुत सोचा कि आज पहले कहाँ जाऊँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि लैंडोर जाने का बहुत दिनों से मेरा इरादा था, तो क्यों ना लैंडोर ही पहले जाया जाए। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ लैंडोर जाने के लिए। लैंडोर आप कैब, स्कूटी, बाइक कैसे भी जा सकते हैं। स्कूटी लेंगे तो 500 या 600 में आपको मिल जाएगा। और ये देखिए कितना अमेजिंग है ना, मतलब इतनी शांति मुझे लास्ट कब महसूस हुई मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि यही बैठे रहो और घर वापस ना जाओ। ये थोड़ा नीचे की तरफ में आई थी चलते हुए लैंडोर, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। क्यों ना थोड़ा टहल लूँ और कुछ रील्स के लिए कुछ वीडियोस भी बना लूँ। तो ये ऊपर की तरफ आने से मुझे ये सेंट पल्स चर्च दिखने को मिला, जो कि लैंडोर में कुछ काफ़ी फेमस है, अच्छी प्लेस है। और ये है लैंडोर का फेमस चाट दुकान। मैंने सोचा था यहाँ पे आके कुछ खाना वाना खाऊंगी, लेकिन इतनी भीड़ है, बैठने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। कोई नहीं, देख के मन भर लेती हूँ। वैसे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आना, देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हैपनिंग है। तो अभी मैं यहाँ से लाल टिब्बा की तरफ जाऊँगी। लाल टिब्बा मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है। ओह माय गॉड, बंदर देखिए कितने मोटे मोटे बंदर हैं। मोबाइल्स कैमरा सावधान से रखना यहाँ पे आए तो। तो लाल टिब्बा की तरफ निकल पड़ी हूँ। कुछ दूर चलते ये लाल टिब्बा मैं पहुँच गई हूँ। अंदर जाके देखते हैं कैसा माहौल है, क्योंकि इस कैफ़े के बारे में मैंने बहुत सुना है, लाल टिब्बा कैफ़े, जो कि यहाँ के यहाँ में बहुत फेमस है। एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे ऊपर आने के बाद, मतलब कैफ़े के रूफटॉप पे आने के बाद एक चीज़ पता चली है कि अगर यहाँ पे मुफ्त में नहीं आ सकते, कुछ नहीं खाए तो 50 रुपीज़ चार्ज दे के ऊपर आना पड़ेगा, या फिर कुछ खाने का मंगवा लीजिए। तो मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने लाल टिब्बा स्पेशल क्या सैंडविच और एक हॉट कॉफ़ी मंगवाया। तो खाना आने तक मेरे साथ आप लोग भी वर्चुअल एक व्यू वर्चुअली एंजॉय कीजिए। वैसे इस पहाड़ को लाल टिब्बा इसलिए कहते हैं क्योंकि सनसेट के टाइम पे ये प्लेस बिल्कुल लाल हो जाता है, तो इसलिए इस प्लेस का नाम है लाल टिब्बा। पर मैं दोपहर को आई हूँ तो अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को लाल पहाड़ तो नहीं दिखा सकती, और आज मौसम भी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा क्लाउडी है। चलिए मेरा खाना वाना तो हो गया, अब मैं वापस चलती हूँ यहाँ से कोई और स्पॉट देखने के लिए। कभी कभी आप लोगों को शायद लाइन पे भी खड़ा होना पड़ सकता है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है इस कैफ़े पे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स आ सकते हैं। ये कुछ नाहटा स्टेट के पास लाल टिब्बा कैफे। अभी मैं क्या लैंडोर बेक हाउस देखने के लिए जा रही हूँ। सीधे रास्ते से जाना होगा। रास्ते भी कितने खूबसूरत हैं, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ, इसीलिए शायद इसको क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं। यहाँ पे रुक के आप फोटोशूट भी करवा सकते हैं, क्योंकि व्यूज ऐसे काफी अच्छे हैं। हर जगह पे बंदर बंदर।
तो ये रहा लैंडोर बेक हाउस। बहुत भीड़ थी तो मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ वाले प्लेस अच्छी नहीं लगती इतनी, तो मैं बाहर से मैंने देख लिया अब वापस जाऊँगी यहाँ से। और इन्हें देखिए, एक छोटू सा बंदर का बच्चा अपनी मम्मी के साथ खेलता हुआ, क्यूट नो। यहाँ पे और एक चर्च है, केलॉग्स मेमोरियल चर्च। ये बंद था तो बाहर से ही मैंने देख लिया, फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं लोग यहाँ पे। ये प्लेस भी काफ़ी अच्छी है। तो लैंडोर में जो जो देखना था मैंने देख लिया। ये लैंडोर का रेजिडेंशियल एरिया है और अभी वापस मसूरी मॉल रोड में जाऊँगी लैंडोर मार्केट से होते हुए। तो आप लोगों को लोकल मार्केट भी मैं थोड़ा दिखाऊँगी। ये दिखी लोकल मार्केट, काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप्स मुझे दिखी, कुछ अच्छे अच्छे कैफेज भी दिखी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर भी ज़रूर करना। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। शाम हो गया है और मैं लाइब्रेरी चौक वापस आ गई हूँ सनसेट देखने के लिए, क्योंकि मसूरी का सनसेट बहुत फेमस है। बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये सनसेट का व्यू देखिए। तो ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, मिलते अगले ब्लॉग पे। साथ बने रहिए, अगले वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।